हाय दोस्तों, मेरा नाम है राकेश तिवारी और आप सब देख रहे हैं फिर से मेरा एक बार यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स चैम। आज हम कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट बेटा? शॉर्ट रन कॉस्ट। बेटा शॉर्ट रन कॉस्ट जो होता है वो कॉस्ट होता है जो सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही एप्लीकेबल होता है, लॉन्ग रन में एप्लीकेबल नहीं होता। शॉर्ट रन जो पीरियड होता है एक बहुत छोटा पीरियड होता है, एक साल से कम का पीरियड, तो उसमें जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं नॉर्मली वो एक फिक्स कॉस्ट यूज करते हैं और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट यूज करते हैं। पहला कौन सा? फिक्स कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। और जैसे ही हम लॉन्ग रन में एंट्री मारते हैं बेटा, हमें लंबे टाइम तक अगर बिजनेस करना है तो ये फिक्स कॉस्ट भी क्या हो जाता है? वेरिएबल कॉस्ट बन जाता है। फिक्स कॉस्ट भी क्या बन जाता है? वेरिएबल कॉस्ट बन जाता है। क्योंकि बेटा अगर मुझे नॉर्मली लंबे टाइम तक बिजनेस करना है तो मैं मशीन खरीदने में हिचकिचाऊंगा नहीं, क्या करूंगा? खरीद लूंगा, ठीक है। तो बेटा शॉर्ट रन में दो ही कॉस्ट है मेन, एक टोटल फिक्स कॉस्ट और दूसरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इन दोनों कॉस्टों को मिला के बाकी और कॉस्ट बने हुए हैं। ये सात कॉस्ट देख सकते हैं, एक टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ये सारे के सारे कॉस्ट इन दोनों कॉस्टों से ही बने हैं। अगर ये दो कॉस्ट नहीं होते तो ये बाकी के पांच कॉस्ट नहीं बन पाते। तो हम डिस्कस करेंगे इन सातों के सात कॉस्ट पे, लेकिन आज के जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम तीन कॉस्ट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट, दूसरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट से। बेटा इसका नाम ही क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट, जो चेंज नहीं होता, हमेशा क्या रहता है बेटा? फिक्स रहता है, चाहे प्रोडक्शन का लेवल बढ़े या प्रोडक्शन का लेवल घटे, बट देयर इज नो चेंज इन टोटल फिक्स कॉस्ट। तो देखो बेटा फिक्स कॉस्ट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट चेंज। ध्यान रखना बेटा कौन सी बात है यहां पे, विच डू नॉट चेंज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जो प्रोडक्शन का लेवल बढ़ने के साथ ना बढ़ेगा और ना ही घटने के साथ घटेगा। जैसे बेटा एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, मैं इस रूम में ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, इस रूम का रेंट मान लो मैं 30,000 देता हूं, 30,000 रेंट पे कर रहा हूं, एक बच्चा आएगा तो भी मुझे 30,000 देना है और 20 बच्चे आए तो भी कितना देना है बेटा? 30,000। प्रोडक्शन का लेवल जीरो एक से कितना हो गया? 20 हो गया। 60 बच्चे भी हो जाए तो भी कितना देना है? 30,000 ही रेंट देना है। और 100 बच्चे हो जाए तो भी कितना रेंट देना है बेटा? 30,000 ही देना है। यानी जो मेरा कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, प्रोडक्शन का लेवल बढ़े या घटे। एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि बेटा अगर प्रोडक्शन का लेवल जीरो हो जाता है, प्रोडक्शन का लेवल जीरो हो जाता है तो भी क्या रहेगा? ये फिक्स कॉस्ट हमें खर्च करना ही पड़ेगा, इनकर्ड करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो एक भी बच्चा यहां ट्यूशन नहीं पढ़ता तो भी हमें फिक्स कॉस्ट 30,000 का रेंट देना ही पड़ेगा। तो देखो बेटा फिर से एक बार दोहराते हैं, फिक्स कॉस्ट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट चेंज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। एक एग्जाम्पल, परमानेंट स्टाफ की सैलरी, प्रोडक्शन कंपनी में हो या ना हो, परमानेंट है अगर तो मुझे सैलरी देना ही पड़ेगा। क्लियर है बेटा यहां तक? अगर हम इसे टेबल के थ्रू देखें तो जब आउटपुट का लेवल कितना है बेटा? जीरो। आउटपुट का लेवल कितना है? जीरो, तो भी कितना कॉस्ट आ रहा है? 10। एक है तो भी 10, दो है तो भी 10, तीन है तो भी 10, चार है तो भी 10 और पांच है तो भी 10। आउटपुट का लेवल बढ़ता गया देख सकते हो, लेकिन फिक्स कॉस्ट हमारा क्या है? फिक्स है। और घटाए वापस चले तो भी हमारा ये क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। एक बात ध्यान रखना बेटा, बच्चे लिख देते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट बस, नहीं, इसके आगे रुपीज का साइन लगाना जरूरी है, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है? रुपीज के फॉर्म में होता है। अब बच्चे पूछते हैं भैया इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो बेटा हमने वाई एक्सिस पे जो मेजर किया है वो टोटल फिक्स कॉस्ट को किया है, देख सकते हो, और एक्स एक्सिस पे जो किया हमने आउटपुट को किया है, ठीक है। अब बेटा जो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट है वो क्या रहेगा? हमेशा फिक्स, जो कि देख सकते हो कितना है बेटा? 10। आउटपुट का लेवल एक है तो भी फिक्स कॉस्ट कितना है बेटा? 10 है। ग्राफ बनाना आता होगा सबको। दो है तो भी कितना है बेटा? 10 है। आउटपुट का लेवल तीन हो गया तो भी 10 है, चार हो गया तो भी 10 है और पांच हो गया तो भी 10 है। तो बेटा देख सकते हो प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता गया लेकिन ये क्या है? फिक्स ही रहेगा। तो बेटा जो टोटल फिक्स कॉस्ट का हमारा कर्व बनता है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बनता है, चाहे प्रोडक्शन का लेवल बढ़े या घटे, लेकिन ये क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इसको नोट कर लो, फिर इसके आगे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ेंगे। तो बेटा अभी अभी हमने टोटल फिक्स कॉस्ट खत्म कर लिया है, तो सबसे पहले एक काम करता हूं छोटा सा, मैं इस टोटल फिक्स कॉस्ट को यहां से रफ कर देता हूं।
इसलिए रफ करा कि कम से कम हमारी एक टेंशन तो कम हो गई है। अब दूसरी टेंशन शुरू करते हैं जिसका नाम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या नाम है बेटा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन का लेवल बढ़ने के साथ बढ़ता है और घटने के साथ घटता है। अभी हमने फिक्स कॉस्ट में देखा था वो फिक्स रहता है चाहे प्रोडक्शन का लेवल बढ़े या घटे, और प्रोडक्शन का लेवल जीरो है तो भी वो फिक्स ही रहेगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन का लेवल बढ़ने के साथ बढ़ेगा और घटने के साथ घटेगा। और प्रोडक्शन का लेवल जीरो है, ध्यान रखना जीरो है, तो बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा? जीरो होगा। देख सकते हो आउटपुट जीरो तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो। अब भैया एग्जाम्पल बता दो। सर जी एग्जाम्पल बता दो। ठीक है बेटा एग्जाम्पल भी ले लो तुम लोग। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। और भी एग्जाम्पल दे दो। फ्यूल, बस जितनी ज्यादा चलेगी उतना ही ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी और उतना ही ज्यादा बेटा फ्यूल का खर्चा आएगा। तो तुम सिंपल सिंपल सी बात ध्यान रखना, वेरिएबल कॉस्ट नाम क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल का मतलब चेंज। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और घटने के साथ साथ घटता है। एक और एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा हमें रॉ मटेरियल चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए बिल्कुल। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए और रॉ मटेरियल पे उतना ही ज्यादा खर्चा होगा। तो बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच डायरेक्टली चेंज। डायरेक्टली चेंज का मतलब बढ़ने के साथ बढ़ेगा और घटने के साथ घटेगा। डायरेक्टली चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। देख सकते हो जब जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो, एक पे दस, दो पे अठारह, तीन पे ट्वेंटी फोर, फोर पे ट्वेंटी एट, फाइव पे थर्टी फोर और सिक्स पे फोर्टी टू। प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा तो ये भी क्या हुआ? बढ़ा। और प्रोडक्शन का लेवल अगर बेटा डिक्रीज होता है तो ये भी क्या होगा? डिक्लाइन होगा। क्लियर है यहां तक? तो डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच डायरेक्टली चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। लेकिन बेटा एक बात ध्यान दो जरा, यहां से यहां तक ये कितना बढ़ा है? दस, फिर आठ, फिर छः, फिर चार। पहले देखो बेटा किस रेट से बढ़ रहा है? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। किस रेट से बढ़ रहा है? डिक्रीजिंग रेट से। और इसके बाद देख सकते हो छः से बढ़ा है और फिर आठ से। यहां से लेके यहां तक बेटा ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। क्यों? क्यों? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अगर याद हो तो पहले स्टेज में एमपी बढ़ता है, एमपी बढ़ेगा तो बेटा कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, और जब एमपी डिक्लाइन होने लगेगा तो कॉस्ट जल्दी जल्दी बढ़ेगा यानी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगेगा। तो बेटा अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट का नेचर आ जाता है एग्जाम्पल एग्जाम में, तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन, इसका टेबल, इसका डायग्राम देख सकते हो। ये बेटा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि जब प्रोडक्शन का लेवल जीरो है तो ये भी क्या होगा? जीरो। फिर पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा यहां तक फोर्थ यूनिट तक, और उसके बाद किस रेट से बढ़ने लग गया बेटा? इंक्रीजिंग रेट से। वो ये उल्टा एस का शेप ले रहा है। एस ऐसे बनता है लेकिन ये कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। क्यों? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एक्सप्लेन करना है आराम से बेटा, सिंपल कि बेटा जब प्रोडक्शन का लेवल जीरो है तो ये भी जीरो है। जैसे जैसे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता जा रहा है हम देख सकते हैं पहले यूनिट पे 10 है, दूसरी पे 18 है, छठे पे 42 हो गया। पहले ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा। क्यों? इट हैपन ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, तो ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगला टॉपिक जो हम करेंगे वो टोटल कॉस्ट करेंगे। जब तक के लिए एक काम करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। एक टेंशन हमारी क्या हो गई? खत्म हो गई। अब तीसरा हम टेंशन शुरू करेंगे टोटल कॉस्ट। जब तक इसे नोट कर लो बेटा। बेटा होप सो पहले का सारा नोट हो गया होगा। चलते हैं अब आगे थोड़ा सा हम। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया आज हमारा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हो गया। लेकिन अब लास्ट टॉपिक है जिसको हम सबसे पहले खत्म करते हैं, जिसका नाम है टोटल कॉस्ट। बेटा आखिर टोटल कॉस्ट होता क्या है? टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी अभी हमने पढ़ा कि शॉर्ट रन में दो ही कॉस्ट होती है नॉर्मली, पहली टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। प्रोड्यूसर कितने तरह के कॉस्ट को इनकर्ड करता है, खर्च करता है? एक फिक्स कॉस्ट जो फिक्स फैक्टर पे खर्च होते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट जो वेरिएबल फैक्टर पे खर्च होते हैं। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक कॉस्ट नया निकलता है जिसका नाम है टोटल कॉस्ट। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ ऐसी ही बनती है बेटा कि टोटल कॉस्ट इज द समेशन, समेशन का मतलब एडअप ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
तो टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक नया कॉस्ट मिलता है जिसका नाम क्या बेटा, टोटल कॉस्ट। देख सकते हैं यहां पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है और यहां पे टोटल फिक्स कॉस्ट दिया है, इन दोनों को जोड़ दे तो हमारा एक नया कॉस्ट निकलता है जिसका नाम क्या है, टोटल कॉस्ट। बेटा जब प्रोडक्शन का लेवल जीरो है देख सकते हो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, जीरो, और टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है, 10। तो बेटा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 0 + 10 इज इक्वल टू 10। बेटा एक पॉइंट नोट करना है यहां पे, पॉइंट टू बी नोटेड, डाल दिया हेडिंग, हाँ तो लिखो बेटा एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जब आउटपुट का लेवल जीरो है तो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, देख सकते हो, और कहीं नहीं होते बेटा, सिर्फ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे होते हैं। क्लियर है यहां तक? जब प्रोडक्शन का लेवल एक हुआ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है बेटा, 10, और टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है, ये भी 10, तो दोनों को जोड़ के कितना आ गया, 20। इस तरीके से जब हम टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमें मिलेगा, नया मिलेगा, वो बेटा होगा टोटल कॉस्ट होगा। कोई डाउट है यहां तक? ये तो भैया टेबल बन गया, ठीक है। अब हम बनाते हैं बेटा डायग्राम इसका, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का और टोटल फिक्स कॉस्ट का, तो डायग्राम सबको आता है, अभी अभी हमने सबने बनाया है ना। तो बेटा यहां पे देखो, जब आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है तो टोटल फिक्स कॉस्ट बिल्कुल फिक्स है, तो ये हमेशा क्या रहेगा बेटा, फिक्स रहेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहां से जीरो स्टार्ट होगा बेटा, जीरो से, क्यों, क्योंकि जब आउटपुट का लेवल जीरो होता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता है, जीरो होता है, देख सकते हो यहां से शुरू हो रहा है, और जैसा जैसा प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता गया ये भी क्या होता गया, बढ़ता गया, पहले डिक्रीजिंग रेट से और फिर इंक्रीजिंग रेट से, किसकी वजह से, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। जब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमें एक नया कॉस्ट मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, टोटल कॉस्ट। तो बेटा देख सकते हो जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है तो टोटल कॉस्ट कितना है, 10, तो ये भी कितना है, 10। देख सकते हैं जीरो आउटपुट लेवल पे फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल है, 10 10। एक पे कितना हो गया बेटा, जब प्रोडक्शन का लेवल एक है तो टोटल कॉस्ट देख सकते हो कितना है, 20। जब प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता जा रहा है तो ये भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि बेटा जो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट होते हैं दोनों के बीच का गैप जो होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। देख सकते हो दोनों का गैप बिल्कुल बराबर है, किसकी वजह से, क्योंकि इनके बीच का जो गैप होता है वो टोटल फिक्स कॉस्ट होता है। देख सकते हो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो बीच का डिफरेंस है वो कौन है बेटा, टीएफसी है। कौन है, टीएफसी, जो कि हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। इसलिए इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो हमेशा क्या रहता है बेटा, कॉन्स्टेंट रहता है। बेटा जो क्लास में है उनको सबको समझ में आ गया, ठीक है, और जो बेटा नहीं है क्लास में, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी वीडियो बनी है। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।